अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही क्यूट सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ जो कि ना खाने से ज़्यादा देखने को दिल करता है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं आलू के घोंसले यानी कि पोटैटो नस्ट, जो बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ बनेंगे और इतने प्यारे लगते हैं ना, दिल करता है बस देखते रहें। तो यहाँ पे ना आलू ले लिए, उबले हुए, नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया, मैश कर लिया। सारे मसाले अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेंगे, नमक, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, और साथ हम लोगों ने ना कुछ फ्रेश मसाले ले लिए। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो उनको चॉप कर लिया, धनिया चॉप कर लिया, पुदीना ले लिया, प्याज छोटे छोटे से कट कर लिए, एक लीमू ले लिया। अब हमने क्या करना है कि पहले आलू के ऊपर सारी चीज़ें डालनी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर इसके छोटे छोटे से घोंसले बना लेंगे। ये देखें जिस तरह से मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं। और यहाँ पे सिवैयाँ ले लिया बारीक वाली, इनको तोड़ के बहुत चॉप कर लिया, बहुत बारीक सा। यहाँ पे एक स्लरी बनाई है थिक सी मैदे और पानी की, जो कि बहुत थिक होनी चाहिए। देखिए चम्मच के ऊपर लग रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी थिक हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इधर से एक घोंसला उठाएंगे, पहले स्लरी में डिप करेंगे, फिर सिवैयाँ लगाएंगे, फिर तल लेंगे। तो पहले ऑयल गर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल मैंने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ था पहले, इसलिए थोड़ा सा बबल्स लग रहे हैं ऊपर। तो इनको डाल के हमने लाइट सा गोल्डन कलर करके निकालना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे तलना है, वरना सिवैयाँ बहुत नाजुक मिजाज होती हैं तो ये जल्दी जल जाएंगे। इनके ऊपर भी ऑयल डाल के और इनको उल्टा करके भी अच्छी तरह से प्यारा सा करके निकाल लेंगे। यहाँ पे जो आलू हमने साइड पे रखे हुए थे ना थोड़े से निकाल के, उनके मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं, वो एक साइड पे रख लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे से ना। ये इतनी क्यूट सी रेसिपी है ना, आप लोग अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, इफ्तार टाइम में आप लोग पेश करें या दावत में बना के रखें, तो इतने ज़बरदस्त से लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, दिल करता है बस देखते रह जाएं खाए ना। तो यहाँ पे देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, मुझे तो मेरा दिल कर रहा था बस देखती रहूँ इनको और खाऊँ ना, बस मेरी आंखों के सामने पड़े रहें, इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा, एक तो ये डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग अलग अलग तरह से रोज़ इफ्तार बनाएं, सबको खुश करें। जाहिर है दुआएं लेना इतना आसान काम तो नहीं है ना। और सबसे अहम काम जो आपने करना है वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक आप लोग रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।